तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। इस समय जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में आपको सीयू सेट के बारे में बताया कि ये फॉर्म आ गया, तो वैसे ही इसी महीने में, जनवरी महीने में, आपका एक नया फॉर्म आया कॉमेड के। जो कॉमेड के फॉर्म है वो आपका कर्नाटक इंस्टीट्यूट, जो कर्नाटक के देश शहर हैं उनमें जो इंस्टीट्यूट आते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए कॉमेड का लिया जाता है एडमिशन। एक बार और बता दूँ, कॉमेड जो फॉर्म है, गवर्नमेंट के थ्रू आप एडमिशन लेंगे। कॉलेज अच्छे होंगे लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन कॉलेज अच्छे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज होंगे। मैं आपको कॉलेज के बारे में भी दिखाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको, मैं अभी कॉलेज रिव्यू कर रहा था जिसमें आपको कॉलेज के बारे में बताया। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सिंपल, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही इस बार भी करेंगे। कॉलेज प्रवेश पर जाएंगे, डायरेक्ट खुल जाएगा, वहाँ पे लिखेंगे कॉमेड, कॉमेड, कॉमेड के। देख सकते हैं ये आ गया है, UGT अंडर ग्रेजुएट। फॉर्म जो आपका है 16 तारीख को ही आया, अभी स्टार्ट ही हुआ है फॉर्म, तो मेरा काम था बताना। तो 16 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो गया, आज 17 तारीख है, आज 17 तारीख है, फॉर्म आ गया है 16 को। और इसका जो पेपर होता है वो होता है कंप्यूटर बेस, कंप्यूटर बेस पेपर होगा आपका। कॉमेड के कंडक्ट करेगी इसे, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यूज़ होता है। इसमें तीन सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हमेशा वही होते हैं। और हर क्वेश्चंस में जो आपके 60-60 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, और विल फोर चॉइस, चार चॉइस होंगे जैसा सिंपल सब में होता है। एक बेनिफिट आपके लिए ये है कि नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, इसका मतलब आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई गलत है ही नहीं इसमें, गलत मतलब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। और आपको एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल आपका 180 नंबर का क्वेश्चन होता है, 60-60-60 आपके हर सेगमेंट के क्वेश्चन होंगे, 60 और 60 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका, मतलब आप सारे लगा सकते हैं। इसका जो पेपर होगा वो 10 मई को होने वाला है, टाइमिंग है 2 से 5। एलिजिबिलिटी कॉमेड के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, ऑल दी एलिजिबल स्टूडेंट इन द कंट्री कैन अपेयर दी कॉमेड के एग्जामिनेशन, मतलब कंट्री मतलब अपने देश के। ST SC एंड OBT OBC जो बिलोंग करते हैं कर्नाटका स्टेट से, वो एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ लोअर एलिजिबल क्वालिफ, मतलब कहने का मतलब है कि वो कम नंबर पे उनका एडमिशन होगा। और तो सबको पता है कि उसी स्टेट के वो उसी स्टेट के कास्ट वाले को तो वो आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उस स्टेट के ST SC OBC को वो देते हैं बेनिफिट, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। बाहर के स्टेट के ST SC उनको कुछ नहीं है। जो कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना है अपने बोर्ड में, और 40% ST SC OBC वालों को, जो ज़्यादा नहीं है सभी के आ जाते हैं। अब आता है इसमें दो चीज, क्या नाम है, कैंडिडेट मस्ट टेक, ये एडमिशन टेक ये करती है और हम, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। मॉक टेस्ट अगर आपको करना है, इसमें डायरेक्ट लिंक नहीं दे रखा है, तो मैं आपको मॉक टेस्ट खोल करके दिखाऊंगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मॉक टेस्ट कॉमेट के का, तो आपको मॉक टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और डायरेक्ट वहाँ से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉमेट की, क्योंकि एक दो तो पेपर तो पक्का करेंगे, क्योंकि इससे प्रैक्टिस बनती है। तो और इसकी जो फीस होगी वो 1600 रुपये है फॉर दी अंडर ग्रेजुएट। अगर आप UGT और यूनीगॉग, एक मतलब इसमें दो पेपर होते हैं, एक यूनी अंडर ग्रेजुएट, लेकिन आपको सिर्फ अंडर ग्रेजुएट का ही पेपर फॉर्म भरना है, ना कि इसका। इसके अंदर आपके गंदे गंदे कॉलेजेस प्राइवेट में आते हैं, इसके अंदर ही आपके अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो सिर्फ आप अंडर ग्रेजुएट UGT का, सॉरी UGT का फॉर्म भरे, कॉमेड UGT, जिसकी 1600 फीस है। इसकी जो फॉर्म है आ गया है 16 को, लास्ट डेट है अप्लाई 17 अप्रैल, मतलब बहुत टाइम है अभी भरने के लिए आपके पास। चॉइस फिलिंग मतलब चेक डिटेल्स, स्टेप ऑफ फिलिंग, कैसे फिल करना है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ से जाना है इस, वो मैं आपको सब समझा दूँगा, इसमें कुछ नहीं है, ऐसी है आपको पता ही, जैसे जेई मेंस का फॉर्म होता है वही सब के सब सब फॉर्म होते हैं, सभी प्रोसीजर देख सकते हैं, वैसे सबके प्रोसीजर फॉर्म होते हैं, रोक करके आप देख सकते हैं क्या क्या, लेकिन आप, मैं आपको समझा दूँगा वैसे ही फॉर्म होते हैं। अगर किसी की गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो 18 अप्रैल से 20 अप्रैल को खुलेगा। टेस्ट सिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सिटी कहाँ पे पड़ेगी, जो टेस्ट है इसका ऑल ओवर द इंडिया पड़ रहा है, आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में ही है,
हरियाणा, झारखंड, कोलकाता, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब जगह, उत्तराखंड सब जगह, दिल्ली, दिल्ली भी है ही, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, सब जगह है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर देके जाने, पेपर तक पहुंचने की, आप पहुंच जाएंगे स्टेटी तक। और फॉर्म ज़रूर भरें इसका, अच्छा कॉलेज, इससे अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं, इससे कोई काम नहीं है। आंसर की, आपको आंसर की रिजल्ट आएगा जब मैं आपको बता दूंगा, जो रिजल्ट होगा इसका 26 मई को आ जाएगा। रिजल्ट 26 मई को आएगा, 10 तारीख को तो पेपर ही है, और इम्पॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन 16 को स्टार्ट हुआ है। मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा ऑनलाइन 5 फरवरी से। लास्ट डेट है पेमेंट की 17 अप्रैल, और 17 अप्रैल भी कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट है। और 18 अप्रैल से 20 अप्रैल आपका करेक्शन विंडो चालू होगा, स्टार्ट डाउन, और आपका एडमिशन टेस्ट टिकट 1 मई से। मतलब आपको पहले एक और चीज़ इसमें, आपको टिकट डाउनलोड, वो तो एडमिट कार्ड, वो सॉरी, टिकट का मतलब होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका 1 तारीख तक डाउनलोड होगा, उसके बाद 9 तारीख तक है, 10 तारीख को आपका पेपर ही है, और फिर आंसर की आ जाएगी आपकी 14 तारीख को। और स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ चैलेंज आंसर की आपकी 14 से लेकर 18 तक चलेगी, है ना। पब्लिसिक आंसर की 22 को, ओरिजिनल एंड टेस्ट स्कोर आपका रिजल्ट आएगा वो 26 को आएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप इनको, और डायरेक्ट अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस पे क्लिक करना है, विजिट कॉमेट के, डायरेक्ट यहाँ से आप फॉर्म खोलेंगे, इधर जाएंगे इंजीनियरिंग साइट पे, क्लिक हेयर। फिर यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करना है, देखेंगे इस साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपको, या आपको बस वो करने के लिए दी थी। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पे जो फॉर्म है ये दोनों का लिखा हुआ है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। आप जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा आप डू यू सेलेक्ट फॉर कॉमेट के क्या फिर दोनों, तो आप उसमें अगर जिस बच्चे को दोनों सेलेक्ट करना है दोनों, जिस बच्चे को ये अकेला सिर्फ कॉमेट यूजीटी करना है वो यूजीटी फॉर्म पे टिक करेगा, तो आपका ये अलग अलग हो जाएगा। और आपको पता ही, अब तो रजिस्ट्रेशन आ गया, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन अपना नाम जो कि आपका सब जगह लगा हुआ प्रूफ में, वो डेट ऑफ बर्थ, आईडी प्रूफ पे नेम, यूनिक आईडी प्रूफ, एप्लीकेंट का नाम, और उस पे नंबर, ठीक है, कौन सा आपका वो है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, सब, मोस्टली आधार कार्ड ही बच्चे भरते हैं, तो आधार कार्ड और उसका नंबर आपको भरना है। फिर उसके बाद आना है अपने ईमेल आईडी पर, या आपको अपना ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है, क्रिएट ओटीपी, और पहले आपको यहाँ से ही करना है रजिस्टर, क्रिएट ओटीपी आ जाएगा, और फिर यहाँ से रजिस्टर कर देना है। समझ में आ गया? रजिस्टर करने के बाद आपके जीमेल पे वह जैसे ऑप्शन सेंड करता है आपको पासवर्ड, जो भी आपका कंफर्म आपने रजिस्टर कर लिया ये सब आ जाएगा, और उसके बाद आपको कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप यहाँ से करेंगे। फिर वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, सीक्वेंस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा, वो शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे बोलते जाता है वो आपको भरते जाना है। मैं तो भर नहीं रहा हूँ इसलिए मैं आपको करके नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास रोल नंबर है नहीं, इसलिए आपको भरना है और करते रहना है। इसके साथ हम वीडियो क्लोज़ करते हैं, और कोई भी नेक्स्ट फॉर्म आएगा तो मैं आपको आने से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस एग्ज़ाम। अगर, और हाँ, इस फॉर्म को तो भरें, ज़रूर भरें बच्चे, ये क्योंकि जेई मेंस के थ्रू जो बच्चों को नहीं मिलेगा वो इसके थ्रू ज़रूर मिल जाएगा। देख सकते हैं नेगेटिव मार्क्स ही नहीं है, और भर दें सारे क्वेश्चन, अटैम्प्ट कर दें, क्या पता कुछ तुक्का लग जाए, इसलिए ज़रूर भरें कॉलेज इसके थ्रू। कर्नाटक के जो बैंगलोर है उसमें कॉलेज, एक तो आप सब जानते ही कॉलेज बैंगलोर में ही अच्छे अच्छे होते हैं, कंप्यूटर साइंस है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए आप ज़रूर भरें उसके फॉर्म को। तो इसके साथ हम वीडियो क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।